इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए दोस्तों लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में जल्द ही देखने को मिल सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। बागी विधायकों पर 21 दिसंबर तक फैसला लें स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अल्टीमेटम, शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक संकट बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर के दायर याचिका पर 31 दिसंबर तक फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि यह मामला चुनाव तक टले। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्पीकर इस पर फैसला नहीं कर सकते हैं तो फिर हम करेंगे इस पर फैसला। इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्पीकर के लिए समय सीमा भी तय कर दी है, किसी भी कीमत पर अब यहां पर 31 दिसंबर तक फैसला लेना ही होगा महाराष्ट्र के स्पीकर को। अयोग्यता के मामले में यहां पर शिंदे गुट की अब मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीजीआई ने बड़ा कदम उठाया है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा ने हार लगभग स्वीकार कर ली है चुनाव में। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें ही सामने निकल के आ रही हैं। शिवराज के मंत्री ने लांघी है मर्यादा की सारी सीमाएं, सरेआम दी है गाली जनता को। मोहन यादव का वीडियो हो चुका है सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और ऑडियो से लेकर के वीडियो तक वायरल हो रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पर अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के महामंत्री सैयद जाफर ने तंज कसते हुए शिवराज के मंत्री को गालीबाज मंत्री करार दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर जानकारी के लिए बताते चलें, भाजपा के नेता हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रत्याशी हो, जब वो यहां पर जनता के बीच में वोट मांगने जा रहा है तो मध्य प्रदेश की जनता उनसे 5 सालों का हिसाब किताब मांग रही है, जिससे यहां पर मंत्री पूरी तरह से बौखला गए और इस कदर बौखलाए कि यहां पर गालियां तक जनता को देने लगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यही जनता आपको सत्ता से हटाएगी तब आपको जवाब भी मिल जाएगा। ये यहां पर खबर है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मोदी सरकार पर कल चलेगा 5 जजों का डंडा। जी हां दोस्तों, जनता को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का ही अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार बोली है कल सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। आप लोगों को खबर बताते चले, यहां पर मोदी सरकार पूरी तरह से चुनावी बॉन्ड योजना के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। इस योजना के अनुसार यहां पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया जाएगा। इसी पूरे मामले को लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। प्रशांत भूषण उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि इस योजना के कारण देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म किया जाना चाहिए। इसी के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरे मामले पर सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संविधान पीठ का भी गठन किया है, जो कि कल पूरे मामले पर सुनवाई करेगी यहाँ पर बेंच। आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का कहना है कि चुनावी बॉन्ड की समीक्षा का अधिकार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, ये भाजपा के घोटालेबाज होने का सबसे क्लियर यहां पर सबूत है। ईमानदार आदमी का खाता वही पूरी तरह से खुला होता है, ये लोग यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर कुछ छुपा रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों को सीजीआई की सुनवाई से डर लग रहा है। दोस्तों अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, भारत ने यूएन में नहीं दिया वोट तो भड़की है सोनिया गांधी। इसराइल ने गाजा को खुली जेल बना दिया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूएन में इसराइल में संघर्ष विराम के आह्वान पर भारत के मतदान में शामिल नहीं होने पर निंदा की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख वर्षों से एक जैसा रहा है।
बताते चलें आप लोगों को, यहाँ पर सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। केंद्र की मोदी सरकार के रुख पर भड़कते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस मतदान में शामिल नहीं होने का कड़ा विरोध करती है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों से इसराइल उस हमले का बदला ले रहा है जिससे उनका कोई मतलब ही नहीं है। इसराइल ने गाजा पट्टी को 1.5 दशक से खुली जेल बना दिया है। इस वक्त मानवता की परीक्षा हो रही है। इसराइल लगातार यहाँ पर निर्दोष लोगों को मार रहा है। ये यहां पर सोनिया गांधी ने दोस्तों बड़ा बयान दिया है पूरे मुद्दे को लेकर के, और फिलिस्तीन का यहां पर खुले शब्दों में समर्थन किया है, जिससे भाजपा यहां पर बौखलाई हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी के बयान पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत। तो यहां पर हुआ है एक बड़ा खुलासा। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, फिर भी वो जेल में बंद हैं। मोदी सरकार बदले की भावना के तहत काम कर रही है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी जैसे जैसे एक एक करके यहाँ पर सरकारें बनाती जा रही है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, भाजपा वालों की नींद उड़ती जा रही है। और इन सब के बीच में आप लोगों को एक और जानकारी देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की खासियत आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें क्या है। सुनवाई के दौरान ऐसा लगेगा कि सरकार ने ही गलत किया है, पर जब फैसला आता है तो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। उदाहरण के लिए आप लोग महाराष्ट्र का ही केस देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का केस देख लीजिए, समझे इसी को राजनीति कहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने जमकर के फटकार लगाई ईडी को और कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो पेश कीजिए, वरना ये केस आपका बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। उससे यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है और वे जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब फैसला आया तो यहाँ पर उनकी जमानत याचिका ही खारिज कर दी गई। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा खबर को लेकर के। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, समाजवादी रथ से उतर करके एक बार फिर साइकिल पर सवार हुए हैं अखिलेश यादव, जनता से दूरी पाटने की कवायद तेज। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा से यूपी की चुनावी राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अपने मुद्दे को धार देने के साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यों को दिखाना भी है। यह समाजवादी पीडीए यात्रा के रूट को देख करके जाना जा सकता है। अखिलेश सरकार में जितने भी काम हुए यात्रा वहां वहां से होकर के गुजरेगी। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यहां पर नारा दिया है काम बोलता है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।